हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन प्लेस ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों सब लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो सुबह जाकर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और पानी गर्म करके ही मैं बोतलों में भरती हूँ, फिर फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा करके पीती हूँ। और आजकल आज सभी लोगों को गर्म पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो फैल रहा है, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ठंडा पानी, सादा पानी ना पिए, पानी को बॉईल करके पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अभी सारी बोतलों को अच्छे से, मैंने 2-4 दिन पहले धोई थी, लेकिन फिर से वो थोड़ी चिकनी चिकनी सी हो जाती है, क्योंकि खाना खाते समय बोतलों को हाथ से उठा लेते हैं तो चिकनी हाथ लग जाते हैं, तो बोतल बहुत जल्दी चिकनी हो जाती है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके लिए मैंने सोचा चलो आज बोतलों को धो लेती हूँ। जग था, पानी की बोतलें थी, तो मैं उनको फटाफट से धो रही थी। तो धोने के बाद बोतल बहुत ही एकदम चमकने लगी थी, बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था बोतलों को। और उसके बाद मैं इनमें भर के रखूँगी जो पानी हमने गर्म करके रख दिया। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में यही काम करती हूँ, जब 6:30 बजे मैं जागती हूँ तो सबसे पहले बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना होता है ना, उसमें पानी भर के गर्म करने के लिए रख देती हूँ, तो गर्म हो जाता, फिर उसको थोड़ा ठंडा हो जाता, उसके बाद मैं बोतलों में भर के रखती हूँ। तो चलनी, उसमें पानी में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ गिर गया था कचरा सा, तो मैंने सोचा चलो उसको छान लेती हूँ, उसके बाद भरती हूँ। तो मैं चलनी से छान रही थी और उसको साथ ही साथ में भरती भी जा रही थी फटाफट से बोतलें। तो सबसे पहले मैं बोतलें फटाफट से भर के रख देती हूँ फ्रिज में, उसके बाद देखती हूँ कि क्या करूँ आज, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। सुबह तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है गाइस, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा काम सुबह का ही होता है, इतना शाम का रात का खाने का नहीं होता जितना सुबह का होता है। सुबह सारे काम एक साथ पड़ते हैं, देखो सबसे पहले झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता और फिर कपड़े वपड़े, ये सब सुबह में ही होता है, तो बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम बर्बाद होता है काम करते करते। तो अभी फटाफट से मैं सारी बोतलें मैं भर के फ्रिज में रख देती हूँ, जितने गर्म पानी से भर जाएंगी उतनी भर दूँगी। हो सकता है अभी आवाज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही हो इधर उधर की, बट क्या है कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, शाम का टाइम है, तो रात को तो वैसे भी थोड़ी भी आवाज़ भी बहुत तेज़ सुनाई देती है, तो बस मैं वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, तो सोच रही हूँ कि शायद कुछ हो जाए तो रोज़ के रोज ही वीडियो अपलोड करती हूँ, एक भी दिन गैप नहीं करती। कोई प्रॉब्लम हो या ब्लॉग हमारा नहीं बना हो या फिर उसमें वॉइस ओवर नहीं किया हो, इसे तो ही नहीं डालती, वरना मैं रोज़ अपलोड करती हूँ अपना ब्लॉग। डेली जो डेली रूटीन होती है हमारी, वो रोज़ डेली शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर से लाइक किया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने फैमिली दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे, अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो और आप मेरे वीडियो देखना आगे भी देखना चाहते हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बेल आइकन आए उसको भी प्रेस कर लेना, तो उससे मेरे वीडियो, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाएगा। तो अभी का सुबह का काम हो चुका है मेरा ख़त्म, अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो क्या बना रही हैं आप लोग देख लीजिए, कढ़ाई में हो गया तेल गरम, जीरा हिंग डाल दिया, ये मसाला मैंने कौन सा डाला आप लोगों को पता है, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, ये मसाला वही है, 2 प्याज लिए थे मैंने, 2 हरी मिर्ची ली थी, अभी लहसुन है नहीं घर में, बना मैं लहसुन भी लेती, और साथ में ही नमक भी डाल दिया था, क्योंकि मैं सिलबट्टी से पीसती हूँ, तो सिलबट्टी से मसाले में नमक डालने से थोड़ा जल्दी पीस जाता है, इसके लिए नमक मसाला पीसती हूँ उसी में डाल देती हूँ नमक, और जो हमारा सूखे मसाले थे वो भी मैंने डाल दिए थे, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, वो भी मैंने डाल दिया था उसमें। तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस तेल गरम करो, उसमें जीरा हिंग डालो और उसके बाद वो मसाला डाल दो, मसाला भुन जाए अच्छे से तो टमाटर डालो, टमाटर पक जाए तो फिर जो सब्ज़ी बना रहे हो जिस चीज़ की वो चीज़ उसमें डाल दो, वो सब्ज़ी उसमें डाल दो,
तो मैं अपना मसाले को भूनूंगी थोड़े से टाइम के लिए, अच्छे से भुन जाएगा ना तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी टेस्टी बन के तैयार होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं आज सब्ज़ी किस चीज़ की बना रही हूँ वो तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तो मैं बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ। बेसन का, हमारे यहाँ बेसन का तो थोपा बोलते हैं इसे, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। हम जैसे बेसन का थोपा कैसे बनाती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग देखना, क्योंकि मैंने सुबह में नाश्ते के लिए बनाया था तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि दोपहर में मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी थोपे की, तो मैं वो थोड़ा ज़्यादा बना लिया था। थोड़ा सुबह खाना नाश्ते में खाने के लिए हो गया और दोपहर में सब्ज़ी के लिए भी हो जाएगा। तो अभी मैंने टमाटर ऐड कर दी, टमाटर को थोड़ा भुनने देंगे, टमाटर हमारे भुन गए हैं। साथ में मैं आटा छान लिया है, आटा भी लगा लेती हूँ फटाफट से, तो दोनों काम होते रहेंगे। मसाला भी हमने गैस थोड़ी कम कर दी जिससे अच्छे से पक जाएगी, हमारे मसाला अच्छे से भुन जाएगा। तो मैं फटाफट से आटा भी लगा लेती हूँ, साथ में थोड़ी ही रोटी बनानी है मुझे, तो 7 से 8 रोटी बनानी, ज़्यादा नहीं बनानी है। तो आटा हमारा हो गया रेडी, मैंने मसाला भुन लिया था अच्छे से 5-6 मिनट तक, फिर उसमें डालते हैं हम पानी। तो पानी हम डाल देते, पानी में बॉईल आने तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, जो हमारा अच्छे से पक जाएगा रस्सा इसका जो होता है ना साग का, उसको अच्छे से पकने देना है हमको उसकी। देखो पक गया अच्छे से, तो अब उसमें डालेंगे हम जो हमारा जो थोपा था, जो बेसन की हमने जो बेसन की बर्फी जैसी बनाई थी ना, उसको इसमें डालेंगे। और उसके बाद हम इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, तो बहुत अच्छी बन के सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। अगर आपके घर कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। देखो कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि घर पे सब्ज़ी नहीं होती हरी सब्ज़ी, तो हम इस सब्ज़ी को बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे घर पे तो सबको अच्छी लगती है, आप लोगों को भी पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, एक बार तो ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो सब्ज़ी में बॉयल आ चुका है, तो मैं सब्ज़ी को रख दूँगी दूसरे गैस पर, और इस वाले चूल्हे पर मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि दोपहर का अभी 1 बज गया है, तो खाना खाने का टाइम हो गया है। तो मेरी रोटी बाकी है, सब्ज़ी को करीबन मैं 10 से 10 मिनट तक पकाऊंगी बिल्कुल धीमी आंच पे। तो मैं इसमें धनिया भी ऐड कर देती हूँ और कढ़ाई को रख देती हूँ मैं दूसरी वाले चूल्हे पे। तो कढ़ाई को मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे वाले चूल्हे पर और इस पर रख देती हूँ मैं मेरा तवा, और सब्ज़ी हमारी रोटी रेडी हो जाएगी। तो मैंने उसको बिल्कुल धीमी, एकदम से धीमी गैस करके सब्ज़ी रख दी है। जब तक हमारी रोटियां बनेंगी ना तब तक हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी अच्छे से खान, और बहुत ही अच्छी होती बन जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना कैसी बनी है हमारी सब्ज़ी। तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, और वैसे भी मुझे कुछ ज़्यादा रोटी नहीं बनानी, बस 7 से 8 रोटी बनानी है। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते ज़रूर कमेंट करके बताना। पता नहीं अभी व्यूज़ नहीं आ रहा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, सबके मुझसे बाद में चैनल स्टार्ट किए थे उनके व्यूज़ आ रहे बट मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो साथ ही साथ में मैं सब्ज़ी भी देखती चलती हूं कि सब्ज़ी हमारी कैसी बन रही है, और रोटी को भी मैं सीखती चलती हूँ फटाफट से। तो मैं रोटी बना लेती हूँ, और रोटी बनाने के बाद मैं रोटी पर घी लगाऊँगी, फिर खाने के लिए हो जाएगी हमारा दोपहर का खाना रेडी। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ आज, बस यही सब्ज़ी और रोटी ही बनानी है। वैसे भी अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती, बस रोटी सब्ज़ी या फिर चावल बनाऊँगी, तो रोटी नहीं बनाती हूँ। जैसे कि कोई सब्ज़ी हो, कड़ी हो या फिर दाल हो या फिर छाछ के आलू हो तो मैं वो बनाती हूँ, तो चावल बना लेती हूँ, तो रोटी नहीं बनाती हूँ, चावल से ही काम हो जाता है। तो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे 50 लाख की लॉटरी कैसे लगी, कैसे क्या हुआ, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। मेरी एक दो रोटी और बाकी, फटाफट से मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो सब्ज़ी हो गई हमारी रेडी, देख लो आप कितनी अच्छी बनके सब्ज़ी रेडी हुई है हमारी, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, तो इतनी अच्छी देखने में लग रही है ना उतनी टेस्टी खाने में भी थी ये। तो आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो ना तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो अब बारी है जिस
जो मैं बताना चाहती थी। कम बैक माय चैनल, स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेस ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम आए थे छत पर घूमने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वहाँ का शूट कर लूँ और आप लोगों से मुझे कुछ बात भी करनी थी। तो क्या बात करनी थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हुआ ऐसा कि मुझे लग गई पाँच नहीं, आप लोगों को बता देती हूँ, 50 लाख की लॉटरी लगी। हुआ ऐसा कि आज सुबह मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आया, और जो सादा कॉल होता, तो मुझे आज सुबह व्हाट्सएप से कॉल आया कि आपको 50 लाख रुपए की आपको इनाम लगा है आपके नंबर पे, तो आपको पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर हमें दे दें। तो हमने उनसे बोला कि मुझे नहीं चाहिए कोई लॉटरी के पैसे, अगर आपको मुझे लग गए हैं तो एक काम करो आप उन्हें गरीबों में बांट दो, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ ऐसे लोग बहुत ठगते हैं और बहुत सारे लोग इनके चंगुल में फंस भी गए हैं। हो सकता है कि वो हमारा अकाउंट नंबर लेने के बाद वो हमारे अकाउंट में जो पैसा होता थोड़ा बहुत वो भी निकाल लेते, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी कॉल आए, मैंने एक यूट्यूबर और हैं उनको भी देखा था, उनके पास भी एक कॉल आया था, उनने तो वो कॉल रिकॉर्ड भी कर लिया था और बाद में फिर जब यूट्यूब पे वीडियो डाला तो उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग करके मतलब कर लिया था, तो उन्होंने सुनाया। बट हुआ ऐसा मैं भी रिकॉर्डिंग करने वाली थी, बट व्हाट्सएप पे जो कॉल आता है वो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, जो डायरेक्टली कॉल आता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो इसलिए नहीं कर पाई मैं रिकॉर्डिंग। और तो मैंने उनसे यही बोला, वो बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं होता, आपको आपके अकाउंट में ही पैसा पहुंचेगा, तो आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दो तो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैंने बहुत मना किया, तो फिर उन्होंने मैंने एक बार फ़ोन कट कर दिया, तो उन्होंने दोबारा कॉल किया कि आपको पैसे चाहिए कि नहीं, और आपका जो नंबर लगा है तो आप क्यों नहीं ले रहे हो। और बहुत सारे लोग तो लेने के लिए मतलब सोचते भी नहीं है कि 50 लाख रुपए का इनाम बहुत बड़ा होता है। तो फिर हमने ज़्यादा उनसे बात ना करते हुए फिर हमने फ़ोन कट कर दिया। और आप हाँ, हो सकता है कि वो मेरे उसी नंबर पे कॉल आया था जो नंबर मेरे बैंक अकाउंट में लगा हुआ था, बैंक से लिंक था, तो हो सकता है वो ज़्यादा बात बढ़ा के कुछ प्रॉब्लम कुछ सोच रहे हो करने की, क्या पता किसी का क्या भरोसा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी फ़ोन करे आपको, कैसा भी फ़ोन आए कि आपका लॉटरी लगी है, आपको ये इनाम लगी है, वो इनाम लगी है, तो किसी के झांसे में मत आना। और अभी मैं आई हूँ छत तक घूमने के लिए, अभी टाइम हो रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर लॉकडाउन का बहुत ही बुरा हाल है, कहीं भी आने जाने दे नहीं रहे हैं। हम ही सोच रहे थे कि अगर मौका मिल जाए यहाँ से, जो सरकार की तरफ से जो सरकार भेजती है, जहाँ से लोग यहाँ पे उनके घर नहीं है, किराए से रहते हैं, भाड़े से रहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो बसें चालू कर दी हैं उनमें नंबर लगा दिया है हमने, शायद आ जाएगा तो हम भी घर चले जाएंगे, या क्या करेंगे या कुछ नहीं। लॉकडाउन कम से कम अगर 2-3 या 4-5 महीने के लिए हुआ तो फिर क्या खाएंगे बैठ के, यहाँ पे गुजारा नहीं हो सकता। गांव में तो हो जाएगा, क्योंकि गांव में तो घर की खेती है, वहाँ का घर है, सब कुछ है, तो टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे शहर में कैसे गुजारा करेंगे। बस वही सोच रहे थे कि हम घर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग क्या देखना पसंद करते पता है, लोग ज़्यादातर जैसे गांव का व्यू होता है, गांव का वीडियो होता है, गांव की जो लाइफ स्टाइल होती है वो देखना पसंद करते हैं। तो अगर मैं जाऊँगी तो आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगी वहाँ का, मेरे मम्मी के यहाँ का, ससुराल का, सब कुछ बताऊँगी।
तो चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय।